पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आतंकवादियों और उसके मानवता विरोधी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकना भी आतंकवाद को बढ़ावा देना ही है। It's a terrible thing going on right now between Pakistan and India. Is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed. No, I stopped paying Pakistan the $1.3 billion that we were paying them. In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. Pakistan was taking very strong advantage of the United States under other presidents, and we were paying Pakistan $1.3 billion a year. I ended that payment to Pakistan because they weren't helping us in a way that they should have. And honestly, we've developed a much better relationship with Pakistan over the last short period of time than we had. तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक व्हिपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है।